हेलो गाइस, तो देखो अभी तो सुबह हो चुकी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और मैं भी बस अभी सोकर ही उठा हूँ, लेकिन आज मैं काफी लेट उठा हूँ, अभी पूरे 10 बज चुके हैं। और देखो आज मौसम कितना ज्यादा साफ है, तो चलो अपने टेलीस्कोप की मदद से थोड़ा बाहर का नजारा देखता हूँ। वाओ यार, देखो जो सामने वाली बिल्डिंग है वो कितनी शानदार लग रही है, और आज तो आसमान भी बिल्कुल साफ है। लेकिन यार अभी तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो चलो चलकर देखते हैं आखिर आज टिप्सन ने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। लेकिन सुपर हीरो और मटेंट भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, ये दोनों सुबह पहले कहाँ पर चले गए। क्या टिप्सन तो किचन के अंदर दिखाई ही नहीं दे रहा, कहाँ चला गया वो भी सुबह पहले। लगता है कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो चलो अभी चलकर देखता हूँ आखिर इसने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। ये क्या यार, देखो पतीला तो बिल्कुल खाली पड़ा है, इसका मतलब टिप्सन ने आज कुछ भी नहीं बनाया क्या। अभी मैं पीछे की तरफ चल के देखता हूँ, तो ये देखो यार यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा है। तो मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, ऊपर से टिप्सन के बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। अरे तो चलो चलकर देखता हूँ आखिर टिप्सन का बच्चा कर क्या रहा है। तो ऊपर में तो मैंने देख लिया, लेकिन टिप्सन वहाँ पर नहीं है, और अभी मैं आ चुका हूँ नीचे की तरफ। तो चलो अभी अंदर चल के देखते हैं कि आखिर टिप्सन अंदर है या फिर नहीं। और अभी मैं आ गया अंदर की तरफ, लेकिन टिप्सन है कहाँ पर। अरे देखो टिप्सन तो अभी तक सो रहा है, भूख के मारे मेरा हाल खराब हो जा रहा है, और ये टिप्सन तो यहाँ पर घोड़े बेच के सो रहा है। लगता है इसको सबक सिखाना पड़ेगा। रुक जाओ, इसको अभी उठाता हूँ मैं। ये दिन ब दिन बहुत ज्यादा आलसी होता जा रहा है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं उठने वाला, अभी इसको एक लात मारता हूँ। किसने मुझे जगाया भाई, लात किसने मारी मुझे। मैंने मारी तुझे लात, तुझे पता भी है क्या टाइम हो रहा है, अभी तक सो रहा है तू। सुबह के 10 बज चुके हैं और तूने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे यार फिर वो रात को लेट सोया था, इस वजह से मेरी आँख ही नहीं खुली। चल तू टेंशन मत ले, मैं अभी जाकर नाश्ता बनाता हूँ। तो टिप्सन तो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला गया, लेकिन ये मटेंट और सुपर हीरो कहाँ पर है। काम करता हूँ, बाथरूम के अंदर चेक करता हूँ, लगता है वो लोग नहा रहे होंगे, लेकिन वो लोग तो महीने में सिर्फ एक बार नहाते। अरे मटेंट के बच्चे, छी छी, देखो ये तो यहाँ पर पोटी कर रहा है। क्या है रो फिरो भाई, मेरे को तो चैन से पोटी भी नहीं करने देते, चलो भगो यहाँ से। अरे हाँ भाई जा रहा हूँ, लेकिन तू जल्दी से पोटी करके ऊपर की दीवारों को साफ कर देना, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। लेकिन यार ये मटेंट तो मिल गया, लेकिन वो सुपर हीरो अभी तक नहीं मिला, आखिर ये जा कहाँ पर सकता है। मुझे उसे ढूंढना होगा, क्योंकि ऊपर के कमरे की सफाई भी तो करवानी है। अरे तो चलो एक बार चल के अपने गेमिंग रूम को चेक कर लेता हूँ, क्या पता वो सुपर हीरो का बच्चा गेम खेल रहा हो। और ये देखो मेरा शक बिल्कुल सही निकला, ये तो मेरे लैपटॉप के अंदर गेम खेल रहा है। तो सुपर हीरो इतनी हिम्मत, तू सुबह पहले आकर यहाँ पर लैपटॉप के अंदर गेम खेल रहा है। फिर यार तू तो उठा नहीं था, इसलिए मैं बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ। अभी बहुत गेम खेल लिया, अभी जल्दी से ऊपर जाकर कमरे की सफाई कर। अरे हाँ यार फिर अभी करता हूँ। अरे वो यार आज तो मैंने एक खतरनाक सुपर बाइक खरीद ली, अब तो मुझे रेस में कोई भी नहीं हरा सकता। अरे तो चलो अभी रोफिरो के घर पे चलता हूँ, आज तो उसको चैलेंज करूंगा और बाइक रेस में हरा भी दूंगा। तो ये देखो अभी मैं पहुँच गया रोफिरो के घर पे। अभी एक काम करता हूँ, अपनी बाइक को यहीं पर पार्क कर देता हूँ। तो ये देखो अभी तो बाइक को तो मैंने पार्क कर दिया, तो चलते हैं अभी रोफिरो के घर के अंदर। अरे लेकिन रोफिरो के घर का एंट्री गेट कौन सा है, लगता है यही है। तो चलो अभी चलकर देखते हैं, मुझे तो यही लग रहा है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं। और ये देखो अभी मैं अंदर आ गया। ओहो टिप्सन, देखो यहाँ पर टिप्सन तो चाय बना रहा है। अरे विलन के बच्चे, तो सुबह पहले यहाँ पर क्यों आया है। और टिप्सन वो रोफिरो से मुझे थोड़ा काम था इसलिए आया हूँ। चल अभी आ ही गया हूँ, तो एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना। अरे चल फुटिया से नहीं मिलेगी कोई चाय, जो काम करने आया है वो कर और यहाँ से निकल। अरे हाँ भाई चला जाऊंगा। अरे सुपर हीरो जी खड़े कैसे हो, अच्छे से सफाई करो। अरे जा जा विलन, डिस्टर्ब मत कर, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। अरे हाँ भाई जाता हूँ, लेकिन ये क्या गोलू मोलू मोटू मटेंट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यार, तुम सफाई थोड़ी करने लायक हो। अरे विलन चला जा वरना तेरे मुंह की सफाई कर दूंगा। अरे लगता है यार इन सभी लोगों का आज मूड खराब है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो जो काम करने आया वो करता हूँ। और रोफिरो जी कैसा आराम फरमा रहे हो। अरे बस यूं ही, मेरे पास कोई काम नहीं था। लेकिन तू ये बता डेंजरस विलन, तू यहाँ पर आज कैसे आ गया। अरे वो क्या है ना रोफिरो, आज मैंने एक बहुत ही खतरनाक सुपर बाइक खरीदी है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी सुपर बाइक को टेस्ट कर लिया जाए, तो मैं तेरे साथ आज एक बाइक रेस करने वाला हूँ। अरे क्या कहा बाइक रेस, अरे रहने दे विलन, तू फिर से हार जाएगा, मैंने तुझे कितनी बार तो बाइक रेस हराई है। अरे नहीं रोफिरो आपकी बार नहीं हारूंगा यार, मैंने काफी खतरनाक सुपर बाइक खरीदी है, वो बहुत ज्यादा फास्ट भागती है। चल अब तू इतना बोल ही रहा है, तो चल एक बाइक रेस हो ही जाए, लेकिन देख लेना आज की रेस को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। हाँ रोफिरो वो तो देखा जाएगा आज की रेस को कौन जीतता है। तो चल विलन अभी मैं फटाफट से अपनी बाइक को बाहर निकाल कर लाता हूँ। हाँ रोफिरो आजा यार, मेरी बाइक भी बाहर ही खड़ी है, दोनों साथ ही चलते हैं रेसिंग ट्रैक के ऊपर। सुपर हीरो मटेंट टिप्सन चलो तुम तीनों भी आ जाओ, आज खतरनाक रेस होने वाली है। और ये देखो यार अभी मैं बाहर आ गया और ये खड़ी मेरी खतरनाक चमचमाती सुपर बाइक। तो चलो अभी अपनी बाइक को फटाफट से पीछे की तरफ ले लेता हूँ। और अभी तो रोफिरो भी आ चुका है, चल रोफिरो आजा अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं रेस वाली लोकेशन पे। अरे हाँ भाई विलन चल तू, अभी मैं आ गया तेरे साथ ही। तो फाइनली गाइस अभी मैं और डेंजरस विलन आ चुके हैं रेस वाली लोकेशन पर, और हमारी रेस को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर खड़ा है टिप्सन। और हम दोनों में से जो भी सबसे पहले फिनिश लाइन पे पहुँचेगा वो होगा आज का विनर। और फिनिश लाइन पे मटेंट और सुपर हीरो खड़े हैं। अरे तो चलो मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ, 3 2 1 गो। और गाइस ये देखो अभी तो यहाँ पर रेस स्टार्ट हो चुकी है, और ये के विलन का बच्चा तो अपनी बाइक को भगाते हुए आगे निकल रहा है। अरे रोफिरो मैंने तो बोला ही था यार मेरी बाइक काफी खतरनाक है और इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, तो देख
लेना, आज तो तू रेस हारेगा। अरे बच्चू, वो तो रेस खत्म होने पे ही पता लगेगा, मेरी बाइक भी कुछ कम नहीं है। अरे भूल जा रहा, फिर तो इस खटारा बाइक से मेरी इस खतरनाक सुपर बाइक को हरा पाएगा। अरे विलन, खटारा बाइक किसे बोल रहा है, पूरी 7 लाख रुपए की ली थी मैंने ये बाइक। अरे तो फिर उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी बाइक भी मैंने 10 लाख रुपए में खरीदी है। अरे विलन, वो तो रेस खत्म होने पे पता लगेगा कि 10 लाख की बाइक में ज्यादा दम है या फिर 7 लाख की बाइक में। और अभी ना गाइस देखो, मेरी बाइक विलन की बाइक से काफी आगे चल रही है और आज की रेस को तो मैं ही जीतूंगा। अरे लगता है इस रॉफिरो को अपनी बाइक की पावर दिखानी पड़ेगी। तो ये देखो, अभी मैं निकल चुका हूँ रॉफिरो से काफी आगे। ओ भाई साहब, देखो ये विलन की बाइक तो सही में काफी ज्यादा सुपर फास्ट है, ये तो 1 मिनट में मुझसे कितनी आगे निकल गया। तो गाइस, अभी आज की रेस में तो डेंजरस विलन आगे चल रहा है और रॉफिरो को डेंजरस विलन ने काफी पीछे छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है, आज की रेस को कौन जीतेगा? और भाई, और कौन जीतेगा? डेंजरस विलन ही जीतेगा गाइस, जल्दी से कमेंट करके बता दो स्टीपसन को। अरे नहीं भाई, आज की रेस को तो मैं ही जीतूंगा। तो गाइस इसे कमेंट करके बता दो कि रॉफिरो आज की रेस को जीतने वाला है। और अभी तो मैं इस डेंजरस विलन के बच्चे से रेस में आगे भी निकल चुका हूँ। और तो रॉफिरो, अभी तो दोबारा से मुझसे आगे निकल गया, लगता है तेरे को एक बार फिर से दिखानी होगी मेरी सुपर बाइक की पावर। अरे नहीं यार, देखो ये विलन तो मेरी बाइक के काफी ज्यादा करीब आ चुका है, मुझे थोड़ा और स्पीड बढ़ाना होगा वरना ये मुझसे दोबारा आगे निकल जाएगा। तो अभी ये दोनों ही रेस का आधा रास्ता तय कर चुके हैं और अभी आधी दूरी पे इन्हें और जाना होगा जीतने के लिए। और ये क्या, डेंजरस विलन रॉफिरो की बराबरी करते हुए अभी रॉफिरो से आगे निकल चुका है। और ये क्या, रॉफिरो अभी डेंजरस विलन को पीछे करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में तो एकदम कांटे की टक्कर चल रही है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन जीतेगा आज की रेस। और ये देखो यार, अभी इस विलन के बच्चे को मैंने पीछे छोड़ दिया और अभी तो फिनिश लाइन थोड़ी ही दूरी पर है। तो वो देखो सामने की तरफ फैक्ट्री आ गई और वहीं पर है हमारी फिनिश लाइन। और तेरे से पहले मैं पहुंचूंगा फिनिश लाइन पे। तो ये देख, अभी मैं वापस से तेरे से आगे निकल गया। अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर देखता जा अभी मेरी बाइक की स्पीड। तो ये चलाई मैंने बिल्कुल टॉप स्पीड पे अपनी बाइक को। अरे मुझे भी बाइक को टॉप स्पीड पे चलाना होगा। देखो फिनिश लाइन आ गई, अगर ये मुझसे आगे निकल गया तो आज की रेस तो जीत जाएगा ये। और बूम गाइस, ये देखो मैं तो आज की रेस को जीत गया। और ये क्या, विलन तो पीछे गिर चुका है। तो इसी के साथ आज की रेस खत्म हो चुकी है और आज का विनर है रॉफिरो, लेकिन विलन हार चुका है। अरे क्या हुआ विलन, तूने तो बोला था तू मुझे रेस में हरा देगा, फिर हार कैसे गया? अरे रॉफिरो, लगता है शोरूम वाले ने मेरा चूना लगा दिया, उसने मेरे को एकदम खटारा बाइक दे दी। तो गाइस ये विलन तो ऐसे ही बहाने मारने वाला है, लेकिन आप लोगों को तो पता है कि मैंने कितनी मेहनत से ये रेस जीती है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आपको किसकी ड्राइविंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ यार, बेल आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।